नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा, आप देख रहे हैं सत्य सत्तक न्यूज चैनल और आज हम लोग उपस्थित हैं गोपालगंज जिले के राजा दल में। और ये गोपालगंज का दशहरा पूजा के लिए इसे शान मान माना जाता है गोपालगंज का, और गोपालगंज का गौरव भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में कि किस प्रकार जो है वो बिरला और कारीगरों के द्वारा ये पूरी कोशिश की गई है कि हूबहू वैसे ही बनाया जाए जिस प्रकार जो है वो कलकत्ता में बिरला मंदिर है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनी कुमार। कहाँ से आए आप? हम सिवान जिला से। सिवान से आ गए, उतना दूर से? हाँ। बारिश में भी आ गए? सिवान जिला का मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है। यहाँ की जगह यहाँ का पंडाल और नल भी अच्छा है। पंडाल बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप देख रहे हैं जो कलाकार है वो पूरी कोशिश किए हैं कि जो बिरला भवन है कोलकाता का उसे हूबहू उतारा जाए यहाँ पे। कितना अच्छा लग रहा है आपको? ये अच्छा लग रहा है और बहुत सराहनीय काम है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और भी सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम लोग उनसे भी बात करने का कोशिश करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विशाल कुमार। कहाँ से आए आप? हम सिवान से आए। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको ये सब चहल पहल देख के यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? सत्यम कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हम सिवान से। सिवान से आ गए, उतना दूर से मेला देखने के लिए। कैसा लग रहा है आपको राजा दल देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो भी यहाँ पे कलाकार जो काम किए उनको मतलब कि वो तारीफ के पात्र हैं कि इतनी खूबसूरत भव्य पंडाल को बनाए हैं? बहुत तारीफ का। क्या नाम है भैया आपका? सुजीत कुमार। कहाँ से आए आप? सिवान से। आप भी सिवान से ही आए? जब सिवान के यहाँ पे काफी लोग देखने को मिल रहे हैं। जी जी। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे आके? स्पेशली हम राजा दल के लिए आए हैं। स्पेशली पंडाल बना, भव्य पंडाल। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा क्या नाम है भैया आपका? भरत कुमार। कहाँ से आए आप? हरद्वारा से। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। अच्छा, उतना दूर से आ गए सिवान जिला से यहाँ पे राजा दल को देखने के लिए, हैं जी? तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है भाई। जब हम लोग पूजा समिति से बात किए तो पूजा समिति का कहना था कि इस मंदिर को बनवाने में लगभग 55 लाख रुपए की लागत आई है और 2 महीनों तक लगातार इसमें काम चला। उसके और भी हम तस्वीरों को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। हम लोग अंदर चलेंगे और माँ दुर्गा का आप सभी लोगों से दर्शन भी कराएंगे। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो और भी चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखाए और आप लोग हमारे साथ बने रहें। ऐसे आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य सत्तक टीम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।